अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिस्कस करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या है। इट इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm³ क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m। मोलैरिटी इज़ द यूनिट मोस्टली यूज इन केमिस्ट्री। मोलैरिटी जो होता है, ये यूनिट जो है मोस्टली हम केमिस्ट्री में इसको केमिकल्स की कंसंट्रेशंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए मोलैरिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका हम यूज़ करने के लिए हमारे पास, हम देखते हैं कि जब हम कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं फ्लास्क है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क इनको कहते हैं। अब हमने यहाँ मार्क है हुआ हुआ, मतलब कि इतना हमने सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने 1 dm³ जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। 1 dm³ सॉल्यूशन जो होता है, 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर के भी इक्विवेलेंट होता है ये। ठीक है, तो हम उसके सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें मोलैरिटी का फार्मूला चाहिए होगा। ठीक है, फार्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला हमें चाहिए होता है मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यूनिट मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि द फार्मूला यूज फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ मोलर सॉल्यूशन। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम मोलर सॉल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमें हमें पता है कि मोलैरिटी जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट है। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट है मोलैरिटी। अब किसी भी सॉल्यूशन को में हम डालते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट होते हैं लेस अमाउंट, कोई भी हमारे पास जो सॉल्यूशंस है, गिवन सॉल्यूशंस है, इन अ गिवन सॉल्यूशन लेस अमाउंट इज सॉल्यूट एंड लार्ज अमाउंट इज सॉल्वेंट। अब इन दोनों चीज़ों को हमने जब मिक्स किया तो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हमने इसका मोलर सॉल्यूशन हम इसका प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें चाहिए इसका मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। जब हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो हमने इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। मास ऑफ सोडियम क्या होता है, ये एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एलिमेंट का हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ठीक है, तो हमने इस तरह इसका मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर मोलैरिटी को मोलैरिटी फाइंड आउट करने का। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस dm³ और 1 लीटर। आपको ये मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर के भी होता है। अब हमारे पास आप ये देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बजाय हम यहाँ पर, अच्छा मैं आपको ये वाला एक फार्मूला लाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का। हमारे पास ये फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ जो हमने लिखा है ना, इसकी जगह हम इसकी प्लेस रिप्लेसमेंट पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या ये इक्विवेलेंट होता है इसके। ठीक है, अगर हमें न्यूमेरिकल्स में कोई भी हमें अगर गिवन सॉल्यूशंस है उसमें हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दी हुई है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप खुद फाइंड आउट करें। तो फिर हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास, ये वाला मोलर मास को फाइंड आउट करेंगे। एंड देन हम फिर इसको फाइंड आउट करने के बाद हम इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह लगा देंगे। ठीक है, और वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये मोलैरिटी जो है ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर हमें पता है कि मोलर मास में हमें फाइंड आउट हो गया कितना है, हमारे पास ये 58.5 ग्राम्स पर मोल आया। ठीक है, इसको हमने 1 dm³
क्यूब के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी आ जाएगी इस सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो हमने मोलर सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर जो है वो प्रिपेयर किया, कितने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के एज अ सॉल्यूट के साथ, ठीक है।